द मस्तक। कल कितने बजे सोए थे आप? कल मैं 11:30। कितने बजे सोए थे? कितने बजे तक सोए थे मतलब? मैं 8 बजे उठी हूँ। वाओ, बीच में नींद नहीं खुली? एक बार खुली थी ऐसे जैसे। हाँ, कमांड डाला था खुली। इसके पहले आप सोते थे क्या? नहीं। क्या होता था बीच में? नींद खुली 4 बजे के दौरान। और क्या होता था आपको? बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ते थे मेरे एंड बहुत पैनिक लगता था। ओके। बहुत तेज से दिल घबराता था। ओके। और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था। ओके। तो अभी आपकी मेरे कैसे 2 या 3 सिटी हुए ना? अभी कैसा फील कर रहे हो? अभी अच्छा है, पहले से काफी अच्छा। नींद अच्छी आ रही है अभी? हाँ, नींद अच्छी है। Not too relaxed, but अच्छी है। अच्छी है। मतलब तीन सेशन में आपको काफी अच्छा पहले से इम्प्रूवमेंट है। अच्छा है। ओके, मतलब हिप्नोथेरेपी के बारे में आप अभी क्या कहना चाहते हैं? वंडरफुल। आई मीन मैं बिलीव ही नहीं कर सकती थी ऐसा कुछ होता है लाइफ में। तो क्या मैसेज देना चाहते हो लोगों को? कि कोई भी सुसाइड करने से पहले हिप्नोथेरेपी करे। जो भी मेंटल प्रॉब्लम है या फिर फिजिकल प्रॉब्लम भी है, कॉन्फिडेंस कम है, तो पहले हिप्नोथेरेपी करें, साइकेट्रिस्ट के पास ना जाए। ना जाए बाबू, कोई नहीं है ना यहाँ पे? नहीं नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, सब आप सभी के लोग सब लोग अच्छी बात है, वेरी गुड। अब अच्छा नॉर्मल फील कर रहा है? उसको वापस लेके आया, जो भी अफर्मेशन है, पॉजिटिविटी जैसे भी जो भी चीजें करना है। अभी जब ऑप्थोमोलॉजिस्ट मेरे को देखते तो बोलते ये तो इम्पॉसिबल केस था, ये हुआ कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, ये हो सकता है। I suffered 24 skulls में fractures थे मेरे। This is all plastic surgery, cosmetic surgery जिसको बोलूँ। आधा मेरा सर इसका titanium का ही था। The retina में। नहीं तो फिर उसके बाद से फिर उसमें भी depression आया। ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज़ एकदम से ही होता। मैं अब घर में बैठा हूँ, मैं कभी घर में रहा नहीं हूँ। घर में इतना है, मुझे आदत नहीं थी हमेशा इधर से उधर इधर से उधर। अब घर में बैठने के बाद कितना प्रेशर आता है घर पे देखने की, घर वाले सब पानी ला के दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो साल भर घर में बैठना है, इट्स लाइक। एंड वो तो मैं अपने वर्स्ट एनिमी को भी वो नहीं बोलूंगा कि वो तू वो फेस पे जा। Yes, yeah, okay, okay. मैं वो अपना फेस वो अपने वर्स्ट एनिमी को भी नहीं। फिर बहुत सारे टेंडेंसीज आती है, सुसाइडल टेंडेंसीज आती है, फिर ऐसा लगता है कि क्या हो गया है, ये अभी होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप को अगर सेल्फ मोटिवेट करते हैं, वो खुद से ही होता है, जो भी होता है वो खुद से ही होता है। राइट राइट राइट, वरना कोई ये नहीं है। ये तो कुछ लोगों को थोड़ा सा भी लग जाता है तो उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे जिनका बहुत कुछ हो गया है, पूरी बॉडी असेंबल्ड है एक तरीके से, लेकिन फिर भी दे आर वेरी एथलीट जैसे हो आज भी, उन्होंने वैसा रखा है। इसलिए मतलब इसका यही बात है कि हम जैसा सोचे वैसा बन सकते हैं। मैंने 80% आदमी बर्न हुआ हुआ क्योर, अपने आप से क्योर हुआ देखा है मैंने, और एंड ही इज वेरी फिट एंड फाइन। कैन यू इमेजिन 80% पॉसिबल? सर के रेटिना में सेंटर में स्कार है, मतलब अभी भी है। हां, दूसरे को तो काम कर रहे हैं हम लोग अभी। It's very small. छोटा सा है। Science कहता है कि ये ठीक नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि होगा। पिन का जो टिप होता है ना, उससे उसको भी 1000 times वो ये कर दिया था, छोटा सा। मतलब वहाँ के सेल डेड हो चुके थोड़ा सा, वो भी कम हो रहा है उनका।
अभी आपने जो भी देखा हो सेशन बहुत अच्छा, मतलब फर्स्ट टाइम देखा तो इंटरेस्टिंग था, कुछ चीजें तो मतलब नहीं जैसे नहीं थी तो हां देखने में थोड़ा सा। ओके ओके ओके, क्या क्या मतलब आपको लगा ऐसा ये सेशन, मतलब जो भी आपने देखा अभी वर्कशॉप में, मतलब इसको चीजें सुनी तो थी इसके बारे में, बट जो चीजें जो अपने स्तर की जो सोल वाली थी कुछ थोड़ी सी मतलब अलग ही थी, अलग ही थी अपनी सोच के ऊपर थी वो। ओके, और बाकी चीजें भी कैसे, जैसे उनका हाथ हमने नम कर दिया था और क्या क्या था, हैलुसिनेशन था माइंड उनका, वो आपको सलमान खान देख रहे थे, मजा आएगी सर सर इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, ये सब मूवी में देखा है आप लोगों ने? हाँ, मैं बहुत देखती हूँ ऐसी चीजें बहुत ज्यादा। ये कोई मैजिक नहीं है, ठीक, ये सब हमारे ही माइंड के सिस्टम्स, हम सिर्फ उसको इंड्यूस करते हैं। ये सब पावर आप में है, आप में, मुझ में, सब में। हिप्नोसिस टेक्निक है वो, लोगों को लगता है बाप रे, अभी जैसे मैंने जो किया इसको लोग क्या समझेंगे, बाप रे इसने तो ऐसा किया, गायब हो गया, मतलब बहुत बड़ा आदमी है ना। दूसरा क्या करते वो लोग करते, और ये साइंटिफिक है, ये माइंड हेलुसिनेशन है। मैंने उनको एक ऐसे लेवल पे लेके गया जहाँ पे वो पूरी रिलैक्स और ट्रांस, मतलब अलग ट्रांस, जो हर इंसान लाइफ में अलग अलग ट्रांस लेवल पे होता है, उसको मैंने बताया उसके सबकॉन्शियस माइंड को, तो ऐसा कर दे, ओके, मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल। मैं स्ट्रांग हूँ इतना तो बोलना है, स्ट्रांग फील करते हो, मैं दुखी हूँ, देखो मैं जिस शब्द को बोला तो मेरा कैसे बॉडी लैंग्वेज हो गया, बस सिंपल है। हम बार बार बोलते हैं मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, देखो ऑटोमेटिक हो रहा है कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ, देखो ऑटोमेटिक आ जाता है, सब यही से है। इसको जो बताओगे वैसा होगा आपकी बॉडी में चेंजेस।